बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास सिक्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो स्टूडेंट्स, ओपन योर साइंस बुक एंड पुट आउट पेज नंबर 42। दिस इज़ चैप्टर नंबर 5, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एलिमेंट्स एंड सिंबल्स, विच इज़ द सेकेंड लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। बिफोर दिस I will recall about the concept of atoms, elements and mixtures. Atoms are the tiny particles which are indivisible. ऐसे छोटे ज़र्रात जिनको हम मज़ीद नहीं तोड़ सकते ना डिवाइड कर सकते हों, उनको atoms कहते हैं। Everything in the world, in your surrounding, is made up of atom. Next is element. Its Urdu meaning is answer. Material that is made up of only one type of atom is called element. ऐसा मटेरियल जो सिर्फ एक टाइप ऑफ एटम से मिलकर बनता है उसको हम आंसर या एलिमेंट कहते हैं। एग्जांपल इज़ हाइड्रोजन एंड कॉपर। थर्ड डेफिनेशन इज़ अबाउट मिक्सचर। मटेरियल डेट इज़ मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ एटम इज़ कॉल्ड मिक्सचर्स। ऐसे मटेरियल्स जो एक टाइप ऑफ एटम से ज़्यादा, यानी कि उसके अंदर ज़्यादा एटम्स जो हैं वो इन्वॉल्व हों, उसको हम मिक्सचर कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है स्टील। स्टील इज़ यूज इन यूटेंसिल्स, आम रूटीन में कैजुअल बर्तन या यूटेंसिल्स जो आप घरों में इस्तेमाल करते हैं वो स्टील से मिलकर बने हुए होते हैं। और वो जो स्टील है वो मिक्सचर होता है तीन एलिमेंट्स का, आयरन, कार्बन एंड क्रोमियम। ये तीनों जो हैं ये डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट, एलिमेंट्स को हम किस तरह से डिनोट करते हैं। सम एलिमेंट्स हैव लॉन्ग नेम्स, नेम्स जो उनके ज़्यादा लार्ज होते हैं, राइटिंग में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, जिसकी वजह से साइंटिस्ट ने एक शॉर्ट हैंड वे, शॉर्ट वे जो है उसका प्रोड्यूस किया है, जिसको हम सिम्बियोलिकली यानी किसी एक एलिमेंट के थ्रू जो है उसको डिनोट कर देते हैं। और इस सिंबल का उर्दू मीनिंग होता है इलामत, जिससे आप जाहिर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो है इसका हम फर्स्ट कैपिटल लेटर जो है वो ले लेंगे और इससे इसको एच से डिनोट कर देंगे। नेक्स्ट है नाइट्रोजन, इसी तरह नाइट्रोजन में भी हम एन ले लेते हैं। लेकिन कुछ एलिमेंट्स इस तरह से होते हैं कि उनके हम दो फर्स्ट टू लेटर्स जो हैं उनको यूज़ किया जाता है। तो फर्स्ट लेटर जो होगा उसको आप कैपिटलाइज फॉर्म में लिखेंगे एंड द लास्ट वन यानी सेकंड जो है ई, जैसे हीलियम की एग्जांपल अगर हम लें ई, तो उसको हम शॉर्ट लेटर से डिनोट करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, हाईलाइट सम इम्पॉर्टेंट सिम्बल्स लाइक हाइड्रोजन विच वी यूज इन आवर डेली लाइफ, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम एटसेट्रा। नाउ ओपन पेज नंबर 44, विच इज़ अबाउट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स उर्दू मीनिंग इज धात एंड नॉन मेटल्स आर गैर धात। ये जो मेटल्स होते हैं ये हमारी सराउंडिंग्स में पाए जाते हैं, कैसे जैसे एलिमेंट्स हैं ना, यही मेटल्स को प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आयरन है, लोहा, ये जो है हमारा एलिमेंट भी है और ये क्या है, ये मेटल है, अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। आपने देखा होगा कि जो आयरन है उसके अंदर से करंट जो है वो इजीली पास कर जाता है, ये इसकी एक प्रॉपर्टी है, खसूसियत है। हार्ड भी होता है, देखा है ना आपने लोहे को, कभी अगर हम तोड़ने की कोशिश करें तो नहीं ईजिली ब्रेक डाउन कर सकते। इसी तरह ये शाइनी भी है, जैसे अगर हम कभी वेल्डिंग वगैरह की दुकान, आप शॉप्स पर गए हों तो वहाँ पर जो वेल्डर्स हैं जब इसकी कटिंग कर रहे होते हैं ना तो लस्टर प्रोड्यूस होती है। लस्टर का मीनिंग है शाइन, शाइन प्रोड्यूस होगी तो वो जो वेल्डर्स हैं उनकी आइज़ को अफेक्ट भी कर सकते हैं, बैडली अफेक्ट भी हो सकता है, जिसकी वजह से वो ब्लैक गूगल्स वगैरह यूज़ कर लेते हैं। मीन टू से कि इसकी जो प्रॉपर्टी है वो ये भी है कि ये शाइनिंग है व्हेन दे आर फ्रेशली कट। स्टूडेंट्स, जो मेटल्स होते हैं उनकी जो वायर्स वगैरह में भी ये यूज़ किए जाते हैं, जैसा कि आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होती हैं, बिजली से चलने वाले जो आलात होते हैं, या फिर आपके घरों में जो वायरिंग्स हुई हुई होती हैं उनमें भी मेटल्स का यूज़ किया जाता है उन वायरिंग में। और ये जो मेटल्स हैं इसमें कॉपर, निकल, क्रोमियम, इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं वो यूज़ होते हैं। दे आर हाई डेंसिटीज। हाई डेंसिटीज का मतलब ये होता है कि ये जो है हैवी इन साइज़ होते हैं, इनका साइज़ जो है वो ज़्यादा होता है, इसलिए इनको हम ये कह देते हैं कि दे आर मोर डेंसर। एग्जाम्पल मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, आयरन, लोहा और भी बहुत सी हैं जिसे आप अंडरलाइन कर सकते हैं, मैग्नीशियम, एलुमिनियम, कॉपर, जिंक, लेड, गोल्ड एंड सिल्वर। ओके, नाउ अब वी विल डिस्कस नाउ अबाउट नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स का मतलब है गैर धात। ये क्या होते हैं, ये अगर हम इनका कंपैरिजन करें ना मेटल्स के साथ, मेटल्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग थे तो ये वीक हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगी। जैसे आपको पता होगा कि एक डल भी है, जब इनको कट किया जाता है तो ये शाइन नहीं प्रोड्यूस कर पाते,
मैनी ऑफ देम आर गैसेस, ज़्यादातर जो है वो गैसेस के फॉर्म में होती हैं, क्योंकि गैसेस होती हैं इसलिए इनकी जो डेंसिटीज हैं वो लो होती हैं, लाइट इन वेट होती हैं। एयर है ना, एयर जैसे लाइट वेट होती है, इसी तरह ये लाइट वेट होते हैं नॉन मैटर्स। और इनकी हम एग्जाम्पल ऑक्सीजन भी है, और भी आप अंडरलाइन कर सकते हैं अपनी बुक में, देख सकते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सारी वो गैसेज हैं जो हमारे कंपोजिशन है एयर के मिक्सचर का। ठीक है, नाउ मैं आपको दिखाती हूँ कि हम जो हैं किस तरह से जो आपके क्वेश्चन हैं उनको किस तरह से करेंगे। आपके चैप्टर नंबर 5 के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस पेज नंबर 55 पुट आउट करें, उसके जो फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हैं ना आपके, जो मैंने आपको लेक्चर में डिलीवर किया है, समझाया है, सब उससे रिलेटेड है। ठीक है, आपको उसमें कोई इशू नहीं होगा। और इनके जो आंसर्स हैं वो ये मैं आपको दे रही हूँ, ये यहाँ से फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड के ये आंसर्स हैं, यहाँ तक फर्स्ट 3 क्वेश्चंस के आंसर्स आपने करने हैं। ओके, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इशू हो तो आप मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है, इंशाल्लाह। और आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी है, पढ़ना है अच्छे से, रिजल्ट शो करना है बाद में। ओके जी स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़ विद नेटिव स्लेगन, आगे बढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, टेक केयर अ लॉट।